सब्सक्राइब कीजिए एक्सप्लेन इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और पाइए नई वीडियोज की जानकारी सबसे पहले सीधा अपने मोबाइल के इनबॉक्स में। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन इन हिंदी में और मैं संतोष। दोस्तों, अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड को यूज करते हैं और अपने उस यूबीआई के एटीएम पिन को भूल गए हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे आप अपने उस एटीएम कार्ड के पिन को याद करेंगे यानी कि फॉरगेट करेंगे या फिर उसके लिए न्यू पिन सेट कर पाएंगे, तो आज के इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में आपको एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से आप अपने उस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड के लिए न्यू पिन सेट कर पाएंगे और तुरंत ही उस एटीएम कार्ड को यूज करना स्टार्ट कर पाएंगे। और इस प्रोसेस में आपको कहीं भी अपने ब्रांच के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं ये प्रोसेस कौन सा है और कैसे आप अपने उस एटीएम कार्ड के लिए न्यू पिन सेट कर पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले उस एटीएम कार्ड को लेकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी एटीएम में चले जाएं। यूबीआई के एटीएम में जाने के बाद अपने उस एटीएम कार्ड को वहां की यूबीआई एटीएम मशीन में स्वाइप कर लें। स्वाइप करने के बाद अब आपके पास लैंग्वेज वाला स्क्रीन आ जाएगा। इस स्क्रीन में आपको कुछ लैंग्वेज दिए हुए रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज को सेलेक्ट नहीं करना है। उन लैंग्वेजेस के सबसे नीचे, स्क्रीन के सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, गेट एटीएम पिन ग्रीन पिन। तो आप उस सबसे नीचे के गेट एटीएम पिन ग्रीन पिन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही आपके सामने एटीएम स्क्रीन में दो ऑप्शन आ जाएंगे। इन ऑप्शंस में से सबसे पहला जो ऑप्शन है ओटीपी जनरेट, आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस ओटीपी जनरेट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो उस एटीएम स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा ओटीपी जनरेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका उस एटीएम कार्ड का ग्रीन पिन जनरेट हो चुका है। और इसके कुछ ही देर के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक एसएमएस आएगा। उस एसएमएस में आपका 4 डिजिट का ओटीपी लिखा हुआ होगा। यही 4 डिजिट का ओटीपी आपका ग्रीन पिन है जिसको अभी अभी आपने जनरेट किया है। लेकिन आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है, आपको अब इस 4 डिजिट ओटीपी को वैलिडेट करना पड़ेगा, तभी आप अपने उस एटीएम कार्ड के लिए न्यू पिन सेट कर पाएंगे जिसका पिन आप भूल चुके हैं और जिसको आप फॉरगेट करना चाह रहे हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं कि इस 4 डिजिट ओटीपी को यानी कि ग्रीन पिन ओटीपी को वैलिडेट कैसे करते हैं। इसके लिए जब आपके मोबाइल नंबर पर यह 4 डिजिट का ओटीपी आ जाए तो उसी एटीएम कार्ड को वहां के एटीएम मशीन में फिर से स्वाइप कर लें। स्वाइप करते ही फिर से आपके सामने लैंग्वेज वाला स्क्रीन आ जाएगा, तो आपको फिर से उस स्क्रीन के सबसे नीचे के सेट एटीएम पिन ग्रीन पिन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे दोबारा से आपके सामने वही दो ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन इस बार इसके सेकेंड ऑप्शन यानी कि ओटीपी वैलिडेट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस ओटीपी वैलिडेट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो अगले स्क्रीन में आपको 4 डिजिट का आपका ओटीपी मांगा जाएगा। यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो भी 4 डिजिट का ओटीपी आया है उस ओटीपी वैल्यू को यहाँ पे एंटर कर दें। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद अब आपको आपका न्यू पिन एंटर करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आप आगे के दिनों में जो भी एटीएम पिन रखना चाहते हैं उस 4 डिजिट के पिन को यहाँ पे एंटर कर दें। जैसे आप अपना न्यू पिन एंटर करेंगे तो अगले स्क्रीन में आपको आपका न्यू पिन री एंटर करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आप अपने न्यू पिन को दोबारा से एंटर कर दें। जैसे आप अपने न्यू पिन को री एंटर यानी कि दोबारा से एंटर करेंगे तो उस एटीएम स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा पिन चेंज कम्प्लीट। तो दोस्तों, जब आप अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड के लिए पिन जनरेट और उस पिन को वैलिडेट कर लेंगे तो आपके उस एटीएम कार्ड के लिए न्यू पिन सेट हो जाएगा और अब आप अपने उस सेट किए हुए न्यू पिन की सहायता से अपने उस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से आप दूसरे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। और हमारे इस वीडियो के बारे में या हमारे चैनल के बारे में किसी भी तरह का सुझाव या सवाल हो आप कमेंट में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड ट्यूटोरियल लेकर हम आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।